तो है गांधी गर्वित अग्रवाल और आज बात करेंगे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में। ऑलरेडी एक बार बात कर चुके हैं, सबसे पहली वीडियो ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में आई थी। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में बात हम फिर से क्यों कर रहे हैं इस टाइम? देखो, कई सारे लोगों की ये चीज़ थी कि यार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की जो वीडियो थी काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, जो मैं खुद भी मानता हूँ 21-22 मिनट की वीडियो थी, काफ़ी ज़्यादा बड़ी वीडियो बना दी थी वो पहली वीडियो थी। इसलिए तो काफ़ी लोगों को ये दिक्कत थी कि यार काफ़ी ज़्यादा बड़ी वीडियो बना दी गई है तो देखने में दिक्कत आ रही है, एंड काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन वीडियो थी वो। इसलिए मैंने सोचा कि एक उसका मिनी वर्जन बनाते हैं। तो कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर कम से कम टाइम में हम पूरे की पूरी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रिव्यू कर दे तुम्हारे लिए। आगे जो हार्वर्ड की चीज़ें हैं मैंने इस बार थोड़ी सी चेंज करी है। अच्छा, देखो क्या चेंज किया ये बताता हूँ। देखो, चेंज ये किया है कि मुझे पता है कि तुम लोगों को ऐसे फालतू ऐसे स्टैट्स वगैरह की ऐसे कोई ज़रूरत होती नहीं है, तुम्हें फालतू चीज़ों की जानने की तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। तुम्हें पता है हार्वर्ड नंबर वन है, तुम्हें पता है कि यार इसमें ये चीज़ होती है, तुम्हें पता है इसमें वो चीज़ होती है, तुम्हें पता है उसके एलुमिनाय वगैरह कौन है, तो तुम्हें वो सब चीज़ें जानने का इतना मन है नहीं। मतलब जानना है पर ऐसा नहीं कि फालतू का ज्ञान तुम्हें नहीं चाहिए। तो देखो, मैंने क्या किया, इस बार इस पूरी की पूरी पीडीएफ को इस तरीके से अरेंज किया है कि जो तुम्हारी की पूरी की पूरी चीज़ है ना, तुम्हें वैसे मिलेगी जैसी तुम्हें चाहिए। तुम्हें सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में जानना है, मुझे पता है किस चीज़ के बारे में, फ़ीस के बारे में, स्कॉलरशिप के बारे में, सबसे पहले वो बताएंगे। स्टैट्स वगैरह के बारे में बाद में बढ़ेंगे और जिस तरीके की तुम्हारी प्रेफरेंस होती ना उसी तरीके से बताएंगे। क्योंकि देखो, टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मेरा भी टाइम ज़रूरी है, तुम्हारा भी ज़रूरी है। मेरे को बड़ी वीडियो बनानी नहीं है, तुम्हें बड़ी वीडियो देखनी नहीं है। सिंपल सी बात, ये काम करते हैं कि हम लोग स्टार्ट में वो वाला पार्ट ले लेते हैं जो तुम्हें ज़रूरत है ताकि तुम्हारा टाइम भी कम लगे, एंड तक धीरे धीरे वहाँ पे जाएंगे जहाँ पे तुम्हारा ज़रूरत नहीं है, तो हमारा दोनों का काम बन जाएगा एकदम सही से। तो वैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ कि कैंपस टूर वगैरह जो है तुम्हें एंड में मिल जाएगा पूरा का पूरा। अभी हम अगर इसकी तरफ बड़े चीज़ें देखिए तो यह तुमको हार्वर्ड की बिल्डिंग दिख जाती है। इसके बाद सबसे पहली जो चीज़ मैंने इस बार डाल रखी है वो है फीस एंड एकोमोडेशन। तो फीस और तुम्हारा रहने वगैरह में कितना ज़्यादा खर्चा जाता है, जहाँ पे स्टार मार्क कर रखे हैं वहाँ पे ये है कि तुम्हारा जो खर्चा है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो सकता है, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। लेकिन मैंने मोटा मोटा खर्चा तुम्हें इस टेबल में बता दिया गया जो है 62 लाख रुपीज़। तुम जिस भी कंट्री के हो अपने हिसाब से चेंज कर लेना, इंडियन रुपीज़ के हिसाब से बताया जा रहा है। तो 62 लाख रुपये पर ईयर, हाँ 62 लाख रुपये पर ईयर लग रहे होते हैं तुम्हारे, ना कि टोटल मत समझ लेना उसको। तो ये बैचलर्स का बेसिकली, लेकिन बाकी सबका भी थोड़ा ऊपर नीचे ही होता है, जैसे एमबीए का ऊपर हो जाता है, किसी और कोर्स का नीचे हो जाता है, कोर्स टू कोर्स भी वेरी करता है। लेकिन अगर मैं तुम्हें एक पतली सी लाइन बता के दूँ तो 62 लाख रुपये आसपास होती है। बाकी टेबल के अंदर देख लेना तुम्हारी जो भी चीज़ होती है, बुक वगैरह कितना खर्चा है, पर्सनल एक्सपेंसिस वगैरह, तो ये होता है। लेकिन मुझे पता है तुम्हें फीस पता होगी, तुम्हें पता है कि यार यहाँ पे पढ़ने के लिए 2 करोड़ से ऊपर रुपये चाहिए। लेकिन तुम्हें जानना है कि यहाँ पे स्कॉलरशिप का क्या सिस्टम है, किस तरीके से स्कॉलरशिप मिलती है, किस तरीके से फ्री में पढ़ा जाए। इसलिए हम सीधा स्कॉलरशिप के ऊपर जंप करेंगे, अब नहीं देखेंगे बाकी तरह की सारी चीज़ें। तो जैसा स्कॉलरशिप के अंदर तुम्हें लिखा हुआ है, बहुत छोटी सी चीज़ लिखी हुई है, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं लिखी हुई है, वो ये है कि 55% स्टूडेंट जो होते हैं हार्वर्ड के अंदर वो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप से आए होते हैं। अब ये नीड बेस्ड क्या स्कॉलरशिप है, देखो 55% नीड बेस वगैरह, ये सब नीड बेस के बारे में पहली बात तो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, पिछली वीडियो मतलब जो इस चैनल पे पिछली वीडियो आई उसके अंदर भी। दूसरी बात, नीड बेस के बारे में ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ, पहली वीडियो जो हार्वर्ड के ऊपर आई थी वहाँ पे भी बहुत अच्छे से बताया था। तो नीड बेस के बारे में वापस नहीं बताने वाला, टाइम भी फालतू में जाएगा तुम्हारा, वेस्ट होगा, क्या पता तुम्हें पता ही हो। तो बेसिकली ऐसा मतलब बस तुम्हें स्कॉलरशिप मिल जाती है 100% के आसपास, ठीक है 100% डिपेंड करते हैं, अगेन कह रहा हूँ नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के बारे में पढ़ लेना कहीं ना कहीं, देख लेना पिछली वीडियो, नहीं तो फिर बोलोगे 100% स्कॉलरशिप थोड़ी ना मिलती है, पढ़ लेना एक बार, ठीक है बार बार चीज़ को कवर नहीं कर रहा, ठीक है। तो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप बेसिकली क्या तुम्हारे कवर करती है, ट्यूशन फी, बुक्स, रेंट, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, तुम्हारे इधर उधर जाना, खाना पीना, सब कुछ कवर हो जाएगा तुम्हारा। तो तुम्हें ऐसे मज़ा सा ऐसे आ जाएगा, ऐसे 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। पैसे भरने पड़ेंगे तब भी, पर बहुत सारे नहीं भरने पड़ेंगे। क्या होता है, क्या सीन होता है, पिछली वीडियो जाके देख लो, पता चल जाएगा। अगली चीज़ मुझे पता है, देखो तुम्हें एलुमनाय ऑलरेडी पता है सारे के सारे, काफ़ी आराम से पता है। लेकिन ना क्या होता है ना कि बड़ा कॉलेज है, इतने सारे एलुमनाय निकले, तुम्हें शौक ऐसा सुनने का कि यार एलुमनाय सुनते, इसलिए एलुमनाय तीसरे नंबर में डाला हुआ है। सबसे पहले एलुमनाय बराक ओबामा, प्रेसिडेंट यूएस के, अगले जॉन एफ कैनेडी, अगेन प्रेसिडेंट यूएस के, ऐसे बड़े बड़े लोग निकलते थे, छोटे मोटे लोगों की तरफ नहीं देखते। बिल गेट्स, को फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, बात खत्म। ज़करबर्ग, तुमने देखा हुआ है फेसबुक। उसके बाद नैटली पोर्टमैन, थॉर की एक्ट्रेस, अभी थॉर लव एंड थंडर आने वाली है, उसके अंदर तुम देख लेना वापस इसको। और भी कई सारे हैं, ऐसी बात नहीं है कि यही 5 थे, बहुत सारे थे और मैं सबका नाम नहीं डाल सकता बेसिकली, तो मैंने 4-5 उठा के डाले हुए। अगली चीज़ की अगर तुम बढ़े तो अब देखो तुमको पता चल गया फीस कितनी होती है, अब तुम्हें पता चल गया स्कॉलरशिप कितनी होती है, अब तुम्हें पता चल चुका है कि यहाँ पे कौन कौन पढ़ के जा चुका है। अब मुझे पता है तुम्हें जानना है कि यार यहाँ पे पढ़ते कैसे है,
क्या तुम्हारे एडमिशन स्टैट्स वगैरह है, क्या क्या कोर्सेज ऑफर होते हैं, किस तरीके की रिक्वायरमेंट्स होती है, अब तुम्हें वो जानना, तब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो देखो सबसे पहले इसका 4.6% का जो है एक्सेप्टेंस रेट होता है, तो 4.6% का काफ़ी कम एक्सेप्टेंस रेट है, लेकिन अगेन तुम इसमें अप्लाई करना ज़रूर से, क्योंकि क्या पता तुम्हारा ही हो जाए, वो तुम ही अगले स्कॉलर हो हार्वर्ड के। बाकी 23% इंटरनेशनल स्टूडेंट वगैरह होते हैं, और भी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख रखी है, अप्लाइड मैथमेटिक्स का अगर कौन कौन से कोर्स होते हैं हार्वर्ड, किस किस कोर्स के अंदर नंबर 1 है, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, मेडिसिन, बायोलॉजिकल साइंसेज, साइकोलॉजी, मतलब बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, सबके सब लिखे हुए, देख लेना, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। ये चीज़ है तुम्हारी मेन, एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स में जानी है मोस्टली उन लोगों को जो बैचलर्स के लिए जाने वाले हैं, बैचलर्स के बाद भी जो जाने वाले हैं, कई सारी चीज़ें सेम होती है, टेस्ट वगैरह का तुम चेंज कर सकते हो, लेकिन जो तुम्हारी बाकी चीज़ होती है जैसे को करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह, वो सब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम होती है सबकी। तो अगर मैं एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स की बात करूँ, एसएटी एसीटी का स्कोर चाहिए होगा, ऑप्शनल था 2021 के बैच के लिए, जो पिछला बैच गया उसके लिए, और इवन ये वाला जो बैच है इसके बारे में मैंने अभी चेक नहीं किया, पर शायद से क्या पता मेरे को ऐसी उड़ती उड़ती खबरें आ रही है कि ये ऑप्शनल ही है। GRE GMAT के ऊपर मैंने एक वीडियो डाली थी, उसके अंदर मैं बताया था कि ऑप्शनल है, लेकिन एसएटी एसीटी नहीं है उसका मेरे को अभी पक्का पक्का याद नहीं है, अगर कोई ऐसी अपडेट वगैरह होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा, कहीं और से तुम्हें मिलेगी तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, खुश रहो, फिर सिंपली अपनी एप्लीकेशन भरो। आगे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट की बात करेंगे तो IELTS है, TOEFL है, Duolingo टेस्ट भी हमारा अवेलेबल है, Duolingo टेस्ट भी तुम दे सकते हो, तो घर बैठे बैठे टेस्ट दे सकते हो इंग्लिश का। स्कूल रिपोर्ट के बारे में एक मिल जाएगी, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन तुम्हारे 2 से 3 मैंने हमेशा बता रखा है, एसेज वगैरह दे देना, स्कॉलरशिप के लिए क्या क्या चीज़ होती है, CSS प्रोफाइल जो होती है, CSS प्रोफाइल क्या होती है, अभी अभी जस्ट वीडियो डाल रखी है पिछले, उस पर जाकर देख लो। अगली बिजनेस एंड फार्म सप्लीमेंट टैक्स टैक्स रिपोर्ट वगैरह तुम्हें डलती है, वो सब बता दिया पिछली वीडियो में, आपके देख लेना। अगली चीज़ आती है कि यार स्टैट्स क्या है, SAT के अंदर कितने नंबर चाहिए होते हैं, ACT में कितने नंबर चाहिए होते हैं, तो SAT के अंदर 1500-1540 से ऊपर, ये तो बहुत कम बता रहा हूँ वैसे, 1550 से ऊपर, हाँ 10 नंबर का ही फर्क था, सॉरी ठीक है, ACT के अंदर ऑलमोस्ट फुल नंबर लेकर आ जाओ, बात खत्म, आगे बढ़ना ही है। TOEFL के अंदर 100 से प्लस लिखा हुआ है, 110 से ऊपर लिया, 100 से प्लस को लिखा हुआ वो लिखता है उसके ऊपर, लेकिन ठीक है कॉम्पिटिशन है ना, 110 से ऊपर लेकर आओ, 120 लेकर आओ, IELTS के ऊपर 7.5 लिखा है, 8.5 लेकर आओ, आराम से ऐसे झूठ लिखना पड़ता है कई बार जगहों पर, ज़्यादा सीरियस मत हो जाना, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं आइडियल एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, देखो तुम्हारा स्टडी एरिया की तरफ हो, तुम्हारा पैशन देख रहे होते हैं बेसिकली, कितना तुमने उसके ऊपर काम कर रखा है, क्या तुम्हारा पैशन है, क्या तुमने पास्ट में कर रखा है, बेसिकली वो देखेंगे कि आप फ्यूचर में तुम उस चीज़ से कुछ बड़ा कर सकते हो, क्योंकि हार्वर्ड जो होता है हार्वर्ड इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करता है, किस तरीके से तुम जॉब क्रिएट कर सकते हो, तो तुम्हारे जो पैशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें ज़रूरी होता है। प्लस जैसा मैं तुम्हें बोला काम तुम्हारा होना चाहिए, सोशल वर्क वगैरह पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारी अगर बेसिकली प्रोफाइल में होता है, काफ़ी बढ़िया चीज़ वो होती है। टेस्ट वगैरह ऑब्वियसली ऑप्शनल लिखे हुए, लेकिन ठीक कोई ऑप्शनल नहीं है, ऐसे वगैरह तुम दे देना सारे के सारे, ग्रेट ऐसे वगैरह जो है ऑब्वियसली तुम्हें पता है यार हार्वर्ड में आने के लिए ऐसे अच्छे ही होते हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह, रिस्पेक्टेबल स्कोर, और कुछ तुमने अगर मस्त चीज़ें कर रखी हो, स्पोर्ट्स, ब्लॉगिंग, डिबेट, डांस, सिंगिंग, ऐसे लोग जाते रहते तो तुम ऐसे जा सकते हो उसके बावजूद भी। बाकी यह है कि इसमें एक मैंने प्रोटिप लिख रही है कि यार बहुत सारी चीज़ें मत करना एकदम से, जस्ट फोकस करना कुछ चीज़ों के ऊपर अच्छे से, फोड़ कर देना, बचा कर देना, खत्म कर देना उस चीज़ को। आगे बात करते हैं एप्लीकेशन की डेडलाइन की, डेडलाइन तुम्हें दिख रही है, एप्लीकेशन फीस तुम्हें दिख रही है, अगेन मैंने बताया कि ये तुम इसको वेव भी करा सकते हो, वेव कैसे करा सकते हो वीडियो में बता रखा है, देख लो जाकर। आगे बढ़ते हैं इसकी अर्ली एक्शन डेडलाइन, रेगुलर एक्शन डेडलाइन के बारे में, तो हमेशा ये सेम सी रहती है, 1 नवंबर 1 जनवरी, तो सिंपल सी बात है, देख लेना उसका डिसीजन कब आता है, मिड दिसंबर एंड ऑफ मार्च। CSS प्रोफाइल की भी लिख रही है, तो CSS प्रोफाइल का भी तुम लोग देख लेना। इंटरव्यू वगैरह के बारे में लिखा हुआ है कि इंटरव्यू की डेट वगैरह कब होती है, डेडलाइन कब होती है एक्सेप्ट करने की, 3 मई होती है, वो तो जब तक तुम वहाँ पर पहुँचोगे तुम दिक्कत ही क्या आएगी डेडलाइन एक्सेप्ट करने की ऑफर। बाकी एक प्रोटिप लिखी हुई है कि उनसे बातचीत करते रहना, उनसे उससे फ़ायदा देखो क्या होगा, तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेगी। और उसका एप्लीकेशन फ़ी के बारे में मैंने लिखा हुआ है कि तुम्हारी वेव हो जाती है, इतनी सारी वीडियो बना चुका हूँ तुम्हें ऑलरेडी पता किस तरीके से वेव वगैरह कराते हैं, नहीं पता जाकर देख लो यार, बार बार नहीं करते यार रिपीट। आगे अगर हम बढ़ते हैं कोर्सेज फॉर कॉलेज स्टूडेंट, ऑब्वियसली मुझे पता है तुम्हें यही जानना है, अभी भी मैं स्टैट्स रैंकिंग पे गया ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें जानने का जैसे इंटरेस्ट ही नहीं है, स्टैट्स रैंकिंग कहाँ पे है नहीं, तुम्हें नहीं जानना, तुम्हें अपने मतलब की बात करनी है, ठीक है। हम कॉलेज स्टूडेंट के बारे में देखते हैं, समर प्रोग्राम के बारे में एक नीचे लिंक दे रखा होगा, उस पर जाके पढ़ लेना, अगर नहीं दे रखा होगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि यार वो लिंक अभी तक अपडेट नहीं हुआ, तो मैं ठीक है मैं डाल दूंगा वो लिंक। सेम फॉर MBA, MBA के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि GMAT का एग्जाम चाहिए होता है। बाकी अगर मैं ट्रांसफर प्रोग्राम की बात करूँ, ट्रांसफर प्रोग्राम क्या होता है पहले बता चुका हूँ, एक वो इनिशियली वीडियो थी कोई, मैं उसका लिंक कहीं ना कहीं नीचे डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा, उसका लिंक जाके तुम लोग देख लेना, तो मैं पता चल जाएगा ट्रांसफर स्टूडेंट क्या होता है पूरा का पूरा, ट्रांसफर प्रोग्राम क्या होता है पूरा का पूरा,
टेस्ट वगैरह क्या चाहिए होता है वो उसमें लिख रखे हैं। मैंने डेडलाइन 1 मार्च होती है। एमएस प्रोग्राम के अंदर क्या चाहिए होता है, जीआरई चाहिए होता है, उसकी डेडलाइन वगैरह दे रखी है मिड दिसंबर। बाकी चीज़ें क्या चाहिए होती है, सेम चीज़ होती है। बाकी तुम लोग समझ चुके होगा ऑलरेडी, सारी वीडियो देखते आए तो हो, 200 सब्सक्राइबर कराए थे, मुझे पता है तुमको पता है ऑलरेडी। फाइनली अब हम चलते हैं उस चीज़ के ऊपर जिसका मुझे वेट था, तुम्हें तो वेट नहीं होगा क्या पता, लेकिन मुझे बहुत वेट स्टैट्स एंड रैंकिंग्स का, तो उसको हम देखते हैं। तो 2021 की इसकी रैंक है 3rd, एस्टैब्लिश हुआ था 1636 के अंदर, 5000 एकड़ से बड़ा कैंपस है, तो काफ़ी बड़ा कैंपस इसके अंदर तुम्हें मिल जाता है, काफ़ी बड़ा मिल जाता है, काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी भी है साथ ही साथ। कनेक्टिविटी की अगर तुम्हारी बात करें तो MIT के जस्ट बिल्कुल तुम्हें सामने ही एकदम मिल जाती है, कनेक्टिविटी की तुम्हें दिक्कत नहीं है। बाकी थोड़ी बहुत चीज़ें लिखी हुई आसपास, सबवे वगैरह है या नहीं है, क्या क्या चीज़ें हैं और मार्केट वगैरह के बारे में देख लेना। PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, पूरा छान लेना अच्छे से देख कर। अगली चीज़ जो तुम्हें जाननी है मुझे पता है वो है बैड थिंग्स अबाउट हार्वर्ड। तुम्हें अच्छी बातें नहीं जाननी, तुम्हें बेकार बातें जाननी, तो हम बेकार बातों की बात करते हैं। तो देखो काफ़ी पुरानी हो चुकी है, तो देखो क्या है कि थोड़ा बहुत जगह पर पुराना करिकुलम चलता है, पूरी यूनिवर्सिटी में चलता है, पूरी यूनिवर्सिटी बिल्कुल मस्त है, लेकिन कुछ कुछ जगह पर क्या है ना पुराना करिकुलम चलता है। तो हाँ ब्लैक बोर्ड वगैरह यूज होते हैं स्टिल, और कुछ कुछ जगह पे ये है कि बिल्डिंग वगैरह का रिनोवेशन वगैरह भी नहीं हो रखा, ऑब्वियसली अब हो चुका है। थोड़ा स्टडी पैटर्न के बारे में बात करूँगा, स्टडी पैटर्न ऐसा है कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा ऐसा दिक्कतें होगी, तुम्हें पढ़ाई के ऊपर काफ़ी फोकस रखना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा तुम्हें हार्वर्ड के जो रूल्स वगैरह रेगुलेशन वगैरह वो माननी पड़ती है। तो हाँ थोड़ा बहुत तुम्हें दिक्कत आएगी, एक्सट्रीम लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन अगर मैं लिख रहेगा, तुम्हें पता कैसे कैसे लोग पास आउट हो, तो कॉम्पिटिशन किस लेवल का होता होगा, बढ़िया बढ़िया चीज़ है। बाकी फैसिलिटी की अगर बात करें, फैसिलिटीज़ हमें कौन कौन सी मिलती है यहाँ पे, तो देखो फैसिलिटी तो हमें मिलती है कि रेजिडेंशियल लाइफ वगैरह मिलती है, स्टूडेंट एक्टिविटी सब मिल जाता है यार, मैं क्या ही बता रहा हूँ तुम्हें, टाइम पास चीज़ है, मैंने कहा ना जो एंड में जो चीज़ होगी वो फायदे वाली चीज़ है ही नहीं। तो एथलेटिक्स, हेल्थ वगैरह, डाइवर्सिटी वगैरह ये सब पता है कि मिलती है। लास्ट चीज बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये क्वेश्चन डाला ही क्यों है मैंने, कोई कारण नहीं है, सिंपली ज्वाइन कर लेना अगर एडमिशन हो रहा हो तो। लेकिन ठीक है स्टिल अगर हम सीरियस नोट पर अगर देखें तो देखो हार्वर्ड के फैकल्टी काफ़ी अच्छे होते हैं, इनका एल्यूमिनाई बेस काफ़ी अच्छा होता है, बेस्ट आईवी लीग कॉलेज अब ऑलमोस्ट माना जाता है, और टॉप नॉच एजुकेशन, लोकेशन काफ़ी अच्छी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। स्टैम्प के लिए तो भाई बिल्कुल बढ़िया है एकदम, तो तुम वहाँ पर बिल्कुल जा सकते हो। अगली बात है वर्डिक्ट, अब देखो तुम में से कई सारे लोग बोलेंगे कि तू खुद तो हार्वर्ड में सिलेक्ट नहीं हुआ, तो वर्डिक्ट देने वाला कौन होता है। देखो मैंने अप्लाई किया था उसके अंदर, ठीक है, और बेसिकली क्या देखो इस चैनल का मोटिव ये नहीं है कि मैं किस तरीके से तुम्हें बताऊं कि वहाँ पे कैसे एडमिशन लिया जाता है, वहाँ पे कैसे सिलेक्ट हो जाता है, उसके लिए हज़ारों वीडियो बनी रखी है ऑलरेडी, जाके देख लो उनको जाके, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मेन मोटिव यह है कि देखो इसमें अप्लाई कैसे किया जाता है, अगर तुम एक रेस के अंदर भाग रहे हो तो सबसे पहले तुम्हें रेस में हिस्सा लेना पड़ेगा, फिर जाके तुम भागने की सोचते हो, जीतने की सोचते हो। तो मैं जीतना नहीं सिखाता, भागना नहीं सिखाता, मैं तुम्हें इतना सिखाता हूँ कि रेस तक पहुँचे कैसे, रेस में हिस्सा कैसे ले, क्योंकि रेस में हिस्सा ही नहीं लोगे तो भागने वाली बात पूरी की पूरी एकदम बुलशीट हो जाती है। तो मैं तुम्हें ये सिखाता हूँ कि रेस में कैसे भागा जाए, तो वैसे ही मैं तुम्हें बताता हूँ कि यार किस तरीके से तुम्हारा जो फर्स्ट स्टेप होने वाला है तुम्हें वो लेना है, किस तरीके से अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए तुम्हें सारी सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। तो मैं तुम्हें ये नहीं बता रहा इस वीडियो के अंदर किस तरीके से वो सिलेक्ट करता है, ये बता रहा हूँ कि किस तरीके किसमें चीज़ें होती है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होती है ऑलरेडी, किस तरीके से अप्लाई करता है, क्या क्या चीज़ें वो डिमांड करते हैं, क्या क्या वो सब चीज़ें बता रखी है। बाकी उसके अंदर कैसे सिलेक्ट होते हैं वो उनसे जाके पूछ लो, अगर वो तुम्हें बता दे तो मर्जी है तुम्हारी। चलो हम वर्डिक्ट के ऊपर चलते हैं। वर्डिक्ट यही था कि देखो बेस्ट आईवी लीग कॉलेज में है ऑलमोस्ट, आईवी का टैग काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, ऊपर से ये हार्वर्ड है तो तुम क्यों सोच रहे हो फालतू में इतना ज़्यादा, यही तुम्हारा फाइनल वर्डिक्ट होने वाला है। सिंपली तुम्हें अगर मिलता है तो लो, लेकिन अगर तुम ऐसे बच्चों जिसे कई सारे कॉलेज में मिल रखा है MIT हार्वर्ड इन सब जगह पे, ठीक है ऑब्वियसली तुम चूज़ कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी तुम्हें आपको कहाँ पे जाना है। MIT के ऊपर एक ऑलरेडी रिव्यू डाल रखा है, तो MIT के ऊपर चेक कर लेना उसमें क्या दिक्कतें होती है। हार्वर्ड के ऊपर तुम्हारे दो दो वीडियो बन गई, देख लो अपने हिसाब से तुम्हें कहाँ जाना है। बाकी जंग के ऊपर हम बात नहीं करेंगे, MIT हार्वर्ड कोई भी कॉलेज कैसे जंग के, सभी बढ़िया बढ़िया कॉलेज होते हैं, या फिर सब बेकार कॉलेज भी होते हैं, बढ़िया भी होते हैं सब बेकार भी होते हैं, कॉन्ट्राडिक्शंस, ठीक है। और इसी के साथ ही वीडियो को ख़त्म करते हैं, कोई अब दिक्कत अगर आए तो बता देना, और कोई यूनिवर्सिटी का रिव्यू चाहिए होगा ऑब्वियसली मैं कहूँगा टाइम लगेगा, लेकिन ठीक है कोशिश करेंगे अगर उस यूनिवर्सिटी का रिव्यू हो जाए। बाकी जितनी भी वीडियो थे उन सबको देखते रहो, बाकी 2-3 वीडियो तुम्हारी ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दी है, तो ठीक है देखते हैं कभी ना कभी आ जाएगी वो वीडियो भी। इसी के साथ ज़्यादा टाइम नहीं लेते, नहीं तो फिटली वाली की तरह ये भी बढ़ जाएगी। ख़त्म करते हैं वीडियो को।